देख ले पाकिस्तान, देख ले चीन और देख ले देश और दुनिया, भारत अब वो भारत नहीं रहा जो हर चीज के लिए दूसरे देशों की तरफ टकटकी लगाए देखा करता था। आज भारत बदल चुका है। आज का भारत चरखा काटने से लेकर हथियार बनाना जानता है। आज का भारत दुश्मन को आंख से आंख मिलाना और घर में घुसकर धूल चटाना जानता है। भारत की सैन्य ताकत का अंदाजा दुश्मन देश तो जान चुके हैं। भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और अब भारत की ताकत में हो रहे इजाफे में एक और कड़ी जुड़ गई है और वो कड़ी है 25 साल बाद पुनर्जन्म लेकर लौटे INS विक्रांत की। जी 25 साल लम्हा देश के लिए गर्व का था। ऐसे में PM मोदी ने नौसेना के गर्व के क्षण में शामिल हुए और इसकी तमाम खूबियां गिनवाना शुरू किया तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाकई में ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की आज की आन बान और शान का प्रतीक है। इससे दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ेगी। तभी तो देश के प्रधानमंत्री ने इस दौरान जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है। चलिए अब आपको INS विक्रांत के बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं जो शायद आपने सुनी नहीं होंगी। INS विक्रांत की ताकत को जान लीजिए। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रॉनिक केबल को बिछाया जाए तो वो कोची से दिल्ली तक पहुंच सकती है। विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है और इतना ही नहीं, लगभग 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय करने में सक्षम है। एक बार में भारत से निकलकर ब्राजील तक की दौड़ लग सकती है। INS विक्रांत में 14 डेक और 2300 कंपार्टमेंट है। 1700 नौ सैनिक की इसमें तैनाती हो सकती है। इसमें इतनी क्षमता है। इतना ही नहीं, महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीरों के लिए भी खास व्यवस्था इसमें की गई है। विक्रांत के किचन में एक दिन में 4800 लोगों का खाना भी बन सकता है। INS विक्रांत में एक छोटा अस्पताल है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 18 मंजिले युद्धपोत है और 250 तेल के टैंकर मौजूद हैं। है ना दिलचस्प बात, कैसी लगती है खुद से खुद की लड़ाई। इसका उदाहरण है INS विक्रांत और इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। INS विक्रांत बनाम ISC विक्रांत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे ब्रिटेन से मंगाया गया था, दूसरा वो जो खुद आज बनकर तैयार है। पहले विक्रांत ने 36 साल देश की सेवा की। याद कीजिए 1971 जब युद्ध में इसी विक्रांत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। पड़ोसी मुल्क के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के सामने मौत बनकर खड़ा था विक्रांत। आज स्वदेशी विक्रांत बनकर तैयार है। 18 साल जरूर लग गए लेकिन ये आधुनिक, ताकतवर, क्षमतावान और बेहद घातक है। चलिए कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। 1971 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए INS विक्रांत का मतलब ये है कि जो मुझसे युद्ध करेगा उसे मैं पूरी तरह से पराजित कर दूंगा। आज भी INS विक्रांत का मतलब यही है। बस फर्क इतना है कि वो INS विक्रांत था और ये ISC विक्रांत है, यानी जिसे कोई युद्ध में हरा ना सके। ये शब्द संस्कृत का है जिसका मतलब होता है बहादुर। INS विक्रांत को 36 साल सर्विस देने के बाद 15 सालों तक बतौर म्यूजियम मुंबई में तैनात किया गया था। लोग उसकी क्षमताओं को देखा करते थे और भारतीय होने का गर्व महसूस करते थे। इसके बाद साल आया 2004 और हाँ, एक दिलचस्प बात ये कि पुराने विक्रांत में अस्पताल नहीं था, नए विक्रांत में
जांच लैब के साथ 16 बेड का अस्पताल भी है। पुराने विक्रांत के किचन में 9 सैनिक खुद खाना बनाते थे, अब नए विक्रांत में 3 ऑटोमेटिक गैली है। यानी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चालाकियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अंतिम क्षमताओं को बढ़ा रही है। लेकिन विक्रांत आज दुश्मन देशों की नींद उड़ा रहा है। यानी देश के लिए ये ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आज तनकर खड़ा है और दुनिया को बता रहा है हिंदुस्तान की ताकत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।